हेलो चिल्ड्रन, आज हम पार्ट एफ करेंगे इस चैप्टर का और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और भी बाकी बहुत कुछ डिटेल्स हमने देखे, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नेंस एट लोकल लेवल। तो लोकल लेवल में जो गवर्नेंस होती है, जो पंचायती राज का जो सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके बारे में। It is extremely difficult to carry out the governance of the entire nation from a single place as the central government as too many responsibilities. तो बच्चों ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि कोई एक ही सरकार पूरी की पूरी कंट्री को हैंडल करे, मतलब एडमिनिस्ट्रेट करे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अच्छी तरीके से करने के लिए गवर्नेंस को डिवाइड कर दिया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, जैसे विलेज लेवल पर, तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और फिर यूनियन। तो इस तरीके से जब डिवीज़न हो जाता है तो वर्क क्या होता है, प्रॉपर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। द पावर इज़ सेंट डिसेंट्रलाइज विद द ऑब्जेक्टिव टू टाइमली सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, नीड्स, एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन तक उनको उनका वर्क कंप्लीट करवाना, उनकी जो उम्मीदें हैं सरकार से उनको पूरा करना। बाय डिसेंट्रलाइजेशन द पावर द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कैरिड आउट ईजिली एंड एफिशेंटली। जब ये डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है वर्क एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो वर्क क्या होता है, बहुत ईजीली होता है और एफिशिएंटली होता है। एट द लोकल लेवल द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस हैव इमर्ज। और लोकल लेवल पे क्या होता है कि इंस्टीट्यूट्स इमर्ज होते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं। वेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज, टाउन और अ सिटी इज कैरीड आउट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इलेक्टेड बाय लोकल इन द लोकल इंस्टीट्यूशन, देन सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। जब इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं लोकल लेवल पर, लोकल लेवल मीन्स व्हाट, जैसे विलेज, तालुका, इन लेवल्स पे जब गवर्नेंस बनाए जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ जियोग्राफिकल regions, the responsibility and function of the government are divided to the local organization. तो क्या किया जाता है, इन सभी functions को, उनके कार्यों को क्या किया जाता है, divide कर दिया जाता है उनके geographical reasons के basis पर। Similarly, the municipality, municipal corporation are the institute of local self governance of urban area. Village area में, rural area में क्या है, पंचायत है, ठीक है। तो उसी तरीके से अर्बन एरियाज़ में क्या, अर्बन एरिया मतलब जो शहरी एरिया है, वहाँ पर क्या होते हैं, म्यूनसिपैलिटी होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। और विलेज में क्या होता है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये रूरल एरियाज़ में होते हैं। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से समझिए, हमारा रिवाइज हो रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस गिव द ट्रेनिंग विच इज़ अवेलेबल फॉर इलेक्शन। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस के, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वोटिंग ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूलिंग एंड अपोजिंग पार्टीज़। तो ये तो क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, ठीक है ना। इलेक्शन में स्टार्ट देखिए कहाँ से होता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस से, वो स्मॉल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिर उसी से लोग धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स वर्क सबको अच्छे से जानते हैं। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को कि अपना खुद का क्या कर सके, विकास कर सके। एज ऑल द पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड एट द लोकल लेवल फर्स्ट, इट गिव्स अ चांस टू इम्प्रूव द लुकवांस एट द अपर लेवल्स टू। लुकवांस, सो चिल्ड्रन, लुकवांस मीन्स जो कमी होती है। तो ये एक चांस देते हैं लोगों को कि वो अपनी कमियों को हटा सके और खुद को इम्प्रूव कर सके। देयरफॉर लोकल सेल्फ रूल ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज द ट्रेनिंग स्कूल एंड लेबोरेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो इसलिए लोकल जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन से, ये एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह है, जहाँ से लोग ट्रेनिंग लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
ये एक लेबोरेटरी है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं अपने इस लोकतांत्रिक देश में. इन 1992 इन द एंटायर कंट्री सिमिलर पंचायती राज एंड अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो 1992 में पंचायती राज आया. तो चिल्ड्रंस प्लीज अंडरलाइन दिस कि पंचायती राज कब आया, 1992. ओके, थ्री टीयर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज. अब ये पंचायती राज जो है हमने देखा था कि ये थ्री टीयर पर है. तो फर्स्ट क्या है, ग्राम पंचायत, देन तालुका पंचायत, देन जिला पंचायत. तो उसके बारे में हम देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है. इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एट रूरल लेवल. रूरल लेवल मतलब जो गाँव के बेसिस पे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. ईच ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअली जॉइंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अभी जो सभी के सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत है या डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ये क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, ऊपर से लेके एंड तक. At all the levels of the Panchayati Raj, in order that the local developmental tasks, schemes, welfare-oriented programs are carried out efficiently, these organizations are provided with required funds and means. अब ये जो organizations हैं, जो institutions हैं, ये क्या करते हैं, वेलफेयर का वर्क करते हैं, स्कीम्स ओरिएंटेड होते हैं, प्रोग्राम्स ओरिएंटेड होते हैं, और ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या गवर्नमेंट इन्हें क्या करती है, फंड एंड मींस रिक्वायर्ड करवाती है. देयर इज़ अ चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड वेरियस चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, वेयर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर DDO एंड द मेन ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज सिचुएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. तो जो हेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, उन्हें DDO कहा जाता है, और इनका जो ऑफिस है ये कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में. सिमिलरली द लीडर ऑफ द इलेक्टेड विंग ऑफ द तालुका पंचायत इज कॉल्ड प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर DDO. अब इसी तरीके से जो तालुका पंचायत के हेड होते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो विंग होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर DDO. एट द लोअर लेवल सरपंच इज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय दिस पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन द तलाटी कम मिनिस्टर एंड हैंडल्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंचायत. अब पंचायत का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कौन हैंडल करता है, तलाटी कम उन्हें मिनिस्टर होते हैं. द विलेज इन विच द इलेक्शन एंड सरपंच आर अनएनिमसली इलेक्टेड आर डिक्लेयर एज समराज विलेज एंड दे आर ऑनर्ड बाय अ प्राइज. अब वो गांव जहां पे डायरेक्टली सरपंच क्या होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ऐसे गांवों को क्या कहा जाता है, समराज विलेज. तो चिल्ड्रन देखिए, यहां पर हमने देखा कि जो अपना लोकल जो गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरियाज़. अर्बन एरिया में क्या है, म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और रूरल एरियाज़ में क्या है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत. तो उनके ही बेसिस पे देखिए यहाँ पर एक ये चार्ट दिया गया है. ये तो फर्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड जो ऑर्गन है ये क्या है, एग्जीक्यूटिव. वो दो टाइप के हैं, टू टाइप्स के हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में भी क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस. अब देखिए टू टाइप्स का है, एक है गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो सेक्रेटरीट अपॉइंट करते हैं. अब ये इंस्टीट्यूशन जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का है ना, इसमें भी आप देखेंगे कि रूरल एरिया लेवल पर है और अर्बन लेवल पर भी है. अर्बन मतलब जो शहरों में होता है, और रूरल मीन्स जो गांव होते हैं. तब आप ये देखिएगा कि जो इनके भी टू पार्ट्स हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं. जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो देखेंगे हम एट रूरल लेवल पंचायत राज कंसिस्टेड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीपल के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. अब इसमें जो हेड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट, और फिर जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत में होते हैं, तालुका पंचायत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मेंबर, और ग्राम पंचायत में सरपंच और डिप्टी सरपंच। तो उसी तरीके से हम देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में होते हैं DDO, तालुका पंचायत में होते हैं DDO, और ग्राम पंचायत में होते हैं तलाटी। ठीक है, तो चिल्ड्रन आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और ये चार्ट देखकर तो सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि रूरल लेवल पर और अर्बन लेवल पर किस तरीके से लोकल सेल गवर्नेंस गवर्नेंस वर्क करती है। अब देखेंगे अर्बन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, रूरल इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस हमने देखा, अब देखेंगे अर्बन इंस्टीट्यूट्स। एज पर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द अर्बन एरियाज वर प्रोवाइडेड विद द अर्बन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। अब 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो सुधार किया गया, उसमें अर्बन एरियाज को क्या दिए गए, इंस्टीट्यूशंस दिए गए एज पर देयर पॉपुलेशन, कि उस एरिया का जो पॉपुलेशन होगा उनके बेसिस पर वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा, लाइक म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एट द फर्स्ट लेवल देयर इज म्यूनसिपैलिटी, एट द सेकेंड लेवल देयर इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एट द थर्ड लेवल देयर इज महानगर मेगा सिटी निगम। तो ये तीन लेवल पे होते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन के बेसिस पर ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इन ऑल द थ्री विंग्स ऑफ द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, अ मेयर इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेजॉरिटी विंग। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज एंड कॉरपोरेटर्स एज पर वेरियस वार्ड्स। वार्ड वाइज रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड रिजर्व कास्ट आर मेंटेन। तो देखिए, एक तो पहले पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या किया जाएगा, इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब जो इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं वो क्या, कौन कौन से होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मेयर होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, वहाँ के जो पार्टीज होंगी उसमें जो मेजॉरिटी जिस पार्टी को मिलेगा उसकी बेसिस पर ये अपॉइंट किए जाते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सीट्स रिजर्व की जाती हैं, मेंटेन किया जाता है। ठीक है, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, सिटी प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म, रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, स्वेज मैनेजमेंट, सिविल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैसिलिटीज, फायर डिपार्टमेंट सर्विसेज, एजुकेशनल, हेल्थ, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, सिटीस्केप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मॉर्ग्यू, क्रेमेंटोरियम, ग्रेवयार्ड, रिमूवल ऑफ स्लम, ओवरऑल डेवलपमेंट एटसेट्रा आर कैरिड आउट बाय द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो अब आप देखेंगे जैसे रोड बनाना, फ्लाईओवर्स, ब्रिज है, वाटर मैनेजमेंट है, कई तरीके के डेवलपमेंट मतलब इनके हाथों में दिया जाता है। तो ये इंस्टीट्यूट मिलकर आपस में फिर क्या करते हैं, उस एरिया को डेवलप करते हैं। ऑल आर मैनेज बाय फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम पीपल अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, फंड्स के बेसिस पर। अब ये फंड्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उनके थ्रू इनको फंड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, एज वेल एज द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब जो टैक्सेस होते हैं, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स इन्हें दिए जाते हैं, उनके बेसिस पे ये लोग आगे अपना काम करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज नोन एज म्यूनसिपल कमिश्नर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन्हें क्या कहा जाता है, म्यूनसिपल कमिश्नर। जिसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड को म्यूनसिपल कमिश्नर कहा जाता है। अंडर हिम देयर आर जोनल हेड हैविंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज एंड वेरियस ऑफिसर्स। और वहाँ पे टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें इस फील्ड में नॉलेज होता है, एक्सपर्ट होते हैं। When a cordial relation is established between the elected wing and administrative wing, तो एक cordial relation यानी आपस में जो एक दूसरे पे depend करे, इस तरीके का relation establish होता है administrative wing में और elected wing में। Many work can be carried out relating to the welfare of the people, और कई ऐसे wings establish किए जाते हैं लोगों के कल्याण के लिए। Welfare of people मतलब welfare means उनका कल्याण। तो
आगे देखेंगे हम जुडिशियरी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द आइडियल्स दैट ऑल इट्स सिटीजन शुड गेट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, देयर बाय अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोशल ऑर्डर कैन बी एस्टैब्लिश. तो चिल्ड्रन, आपने देखा पहले भी प्रीवियस अपने क्लास में, अपने चैप्टर्स में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं इंडियन पीपल को, और उनके सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उन्हें हर तरीके से न्याय, जस्टिस उन्हें मिलना चाहिए. हर किसी के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, इक्वल. जैसा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि भारत में हर एक व्यक्ति क्या है, एक समान है. इफ़ एनी पर्सन ब्रेक्स एनी लॉ देन ही इज आइदर पनिश और फाइन बाय द जुडिशरी. अगर कोई भी पर्सन इन नियमों को ब्रेक करता है, लॉज को ब्रेक करता है, तो उसे पनिश किया जाएगा और उसे फाइन भरना होगा. द जुडिशरी चेक्स वेदर द लॉज आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. अब जुडिशरी ये देखते हैं कि जो ये नियम बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं. इफ़ द लॉ इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड. अब जब जुडिशरी ये देखते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसे रद्द कर दिया जाता है, उसे उस नियम को भंग कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, इफ फेडरल सिस्टम पावर्स एंड फंक्शन आर डिवाइडेड अमॉन्ग यूनिट स्टेट एंड सेंटर्स, इट इज़ द फंक्शन ऑफ जुडिशियल सिस्टम टू सी दैट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट देयर ओन वर्क विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर वर्क. अब फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि अपनी कंट्री दो तरीके से वर्क करती है, एक सेंटर से चलता है और एक स्टेट लेवल पर चलता है. तो अब जो ये जुडिशियरी है, ये देखते हैं डिपार्टमेंट कि दोनों ही सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं, आपस में इंटरफेयर. जैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी, और बिना कुछ हिडन रखे ये लोग, मतलब एक प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. When any dispute arises between the center and unit state, then they are solved by the Supreme Court. But अगर ऐसा कोई भी dispute means कोई भी मतभेद या झगड़े हैं union या state level पर, तो उसे कौन solve करेगा? Supreme Court. The Indian judiciary is continuous and linear. At the top of the central level, there is the Supreme Court. At the middle, at the state level, there is High Court, and the bottom level, there are trial courts, civil courts, criminal courts, and various subordinate courts. तो सर्वोच्च जो अदालत है भारत का, जो सुप्रीम है, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट. मिडल में क्या है? हाई कोर्ट. और उसके फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं स्टेट्स में, जैसे ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक, जैसे लोक अदालत. तो इस तरीके से उनको और भी डिविजन्स दिए गए हैं. तो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. थैंक यू.